लोग आजकल घर आ रहे हैं। आज इसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भाई। यहाँ पे ये भुक्कड़ों की तरह लग गए हैं खाना नाश्ता। आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिली क्या? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। अभी शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है और आज के वीडियो की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है। अभी मेरी तैयारी है गांव में जाने की, क्योंकि वहाँ पर है बर्थडे। तो वहाँ पर सभी कीर्तन मंडली को इन्वाइट किया है, तो कीर्तन करने जाना है। बाकी अभी मौसम देखिए भाई, बहुत ही आंधी तूफान हो रहा है और बारिश भी हल्की हल्की लग रही है। चारों तरफ ना बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी तूफान हो रहा है। और कल भी हमारे यहाँ पे 2 मिनट के लिए बारिश हुई थी और अभी आज भी हल्की हल्की बारिश की बारीक बारीक बूंदें गिर रही हैं। तो अभी मैं भी चलती हूँ गांव में और लोग भी आते ही होंगे कीर्तन में। साथ में मैं नेहा की मम्मी को भी बोल देती हूँ और साथ में चलते हैं। यहाँ पर मैं और नेहा कर रहे हैं नेहा की मम्मी का वेट। हेलो हेलो। और भाई यहाँ पे देखते ही देखते मैं दिखाती हूँ, नीचे देखो बारिश कितनी ज़्यादा लगने बैठ गई है। तो अभी तो बारिश में भीगने का मन कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये नेहा की मम्मी जो है बहुत देर करती है यार। तेरी मम्मी पता नहीं कितना मेकअप करती है। और हम यहाँ पे क्या ठंडी हवा चल रही है ना अभी, क्योंकि ना दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि हालत ख़राब हो रहे थे। और अभी देखो हवा चल रही है ठंडी ठंडी और हम रोड में हवा का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर फिर जाएंगे। मेरा तो बारिश में भीगने का मन कहा। और ये नेहा की मम्मी अब आ रही है, इसके चक्कर में मैं यहाँ पूरा भीग चुकी हूँ। मैंने कहा था ना, पर मेरा भीगने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत टाइम के बाद बारिश कल भी आई थी पर सिर्फ 2 मिनट के लिए आई। चल या तन जानो भीग रहा हूँ कोई बात नहीं। और भीग दो दो बार का होनी भीग रहा हूँ। चल अरे स्पीड मार का चलते हैं स्पीड से। दंत दंतते हैं बारिश लगने बैठ गई है और हम बारिश में दौड़ लगा रहे हैं। मेरी ना पूरी सिंदूर ही नीचे आ गई, तो मेरे ना सिंदूर नीचे आ रही है ना, तो इसलिए मुझे दुपट्टा नीचे तक रखना पड़ रहा है। अब हम थोड़ी देर में गांव में पहुंचने वाले हैं। तो भाई हम अभी पहुंच चुके हैं जहां पे कीर्तन हो रहा है और यहां पे बाकी के लोग भी आ चुके हैं। दीदी हाय। और यहाँ पे बैठ रखे हैं सासू जी। यहाँ पे बन रही है बर्थडे पार्टी के लिए पकौड़ी। मिठा भी दूड़ा तो आते ही पागल बेगी ये मेरे हाथ से पकौड़ी छीन रही है भुक्कड़ कहीं की। ले और ले आज पकौड़ी बननी। पकौड़ी पहले खाया नहीं मिला। हैप्पी बर्थडे लो। तो यहाँ पे दो परात पकौड़ी की बन चुकी है, तीसरी अभी बन रही है। और बाहर देखो भाई, देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा जोरों की बारिश लगने बैठ गई है। लगता है कि थोड़ी देर में ओले भी गिरने वाले हैं। इनका हो गया बारिश में मेकअप खराब। तो ये देखो भाई शीशे पे मेकअप सही कर रहे हैं। देख रहे 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 हैं कि नहीं रहे तो नहीं मांग है। बेर ने की बदियों तुम हमारे पास। अब जा रहे हैं हम यहाँ से ऊपर ऊपर वाले मंजिल में जहाँ पे हम करेंगे कीर्तन। यहीं पे करेंगे ना कीर्तन ऊपर ही। मैं बात यहाँ पे आ गए हैं हम कीर्तन करने के लिए। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो।
यहाँ पे अभी कीर्तन की तैयारी भी हो चुकी है और सभी आधा आधा कीर्तन वाले आ गए हैं, अभी बाकी और कुछ नहीं आए हैं। साथ में यहाँ पे आ चुकी है कीर्तन मंडली वालों के लिए कीर्तन पूजा की सामग्री और यहाँ पे लड्डू वगैरह भी सब चूरमा वगैरह भी बन गया है और अब करते हैं कीर्तन शुरू। स्वागत है चंडिका मैं
कीर्तन भी समाप्त हो चुका है और सभी लोगों के लिए यहाँ पे मिल रहा है चाय नाश्ता। तो ये लोग बांट रहे हैं और ये है बेबी गर्ल की मम्मी। आज इसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय और नाश्ता रख लिया है और ये देखो भाई यहाँ पे ये भुक्कड़ों की तरह लग गए खाने में। भूख लग गई थी आपको क्या? आजकल सारे देश वाले भी आजकल घर आ रहे हैं ना। दीदी इतनी मोटी है ना कि बैठ भी नहीं पा रही है दीदी। ये लोग यहाँ पे खड़े खड़े कर रहे हैं नाश्ता। आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिली क्या? तो यहाँ पे सासू जी दीदी जी सभी लोग आजकल घर आ रहे हैं ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए है ना। देहरादून मत, देहरादून हरिद्वार में तो बहुत गर्मी हो रही हुई नहीं? अच्छा बहुत गर्मी हुई। हाँ जी हैप्पी बर्थडे। नन्नी सी परी जिसके बर्थडे में हम कीर्तन में आ रखे थे तो नन्नी सी परी को हैप्पी बर्थडे। जुग 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 जियो, हजारों साल जियो। तो भाई दोस्तों अभी 7 बजे का टाइम हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ गौशाला। बाकी ना अभी अभी हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाली बारिश लगी है। बाकी अभी बारिश तो बंद हो चुकी है पर मौसम ना एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया है, थोड़ा सा गर्मी कम हो गई है। और अब चलते हैं गौशाला, कीर्तन भी समाप्त हो गया है पर केक ना कटिंग नहीं हुआ था क्योंकि केक थोड़ा सा लेट में आया तो उससे पहले हम निकल गए हैं गौशाला के लिए। बाकी चलिए जी आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।